हे गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरे ब्लॉग पर स्वागत है। तो आज मैं खाने में बना रही थी ब्रोकली, तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करूं। तो ये देखिए, मैं ब्रोकली एक हाथ में लेकर आपके साथ हिला हिला के दिखा रही हूं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बनाने में। तो मैंने पहले ब्रोकली, आलू और मटर को अच्छे से हाफ बॉइल किया है, फुल बॉइल नहीं किया है। तो फिर मैंने सोचा आज जल्दी ही सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद में रोटी बनाऊंगी। तो चलिए, इसके लिए मैंने क्या क्या तैयार किया है। ये है एक टमाटर, एक प्याज, दो हरी मिर्च। आप लोग अपने तीखा जितना खाते हो उतने अनुसार डाल सकते हो। उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैं पहले से ही बना के रख देती हूँ, ठंडी में ये बिगड़ता नहीं है इसीलिए। सो मैंने थोड़ा सा धनिया चॉप करके रख दिया है, क्योंकि मैं बाद में डालना भूल जाती हूँ इसीलिए। तो चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, ये मैंने तेल डाल दिया है और इसमें मैंने आलू फ्राई किया था इसीलिए ये पहले बनाया हुआ कढ़ाई जैसा लग रहा है। तो इसमें मैंने जीरा, प्याज और थोड़ा सा मिर्ची जो काट के रखा था वो डाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ हल्दी। उसके बाद जो मैंने चॉप करके रखा था टमाटर वो डाल रही हूँ। और इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा इसीलिए क्योंकि मैंने ब्रोकली आलू बॉईल करते टाइम डाला था। उसके बाद जो मैंने पेस्ट बना के रखा था वो मैंने डाल दिया। उसके बाद अच्छे से मैं इसको भून के ढक दूंगी थोड़ी देर, सॉफ्ट जब तक ना हो जाए तब तक। उसके बाद फिर निकाल के देखिए सॉफ्ट हो गया है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा चिल्ली पाउडर और फिर इसको मैं ढक दूंगी पूरा सॉफ्ट होने तक और कच्चा मसाले का टेस्ट चला जाए। उसके बाद ये देखिए, ये पक गया है, तो ऑयल निकलने लगा है। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ब्रोकली, मटर, आलू और इसको मैं अच्छे से भूनूंगी टमाटर के पेस्ट में ताकि सारे मिक्स हो जाए। और मैं इसमें अभी ऐड नहीं करूँगी पानी, क्योंकि इससे ही पानी निकलेगा और इससे ही थोड़ा देर पकेगा। देखिए निकल रहा है, तो अभी मैं इसको ढक दूंगी, उसके बाद थोड़ी देर में मैं निकालूंगी। तो ये पक गया है, 5 मिनट्स मैंने रख दिया था। और अभी मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी और थोड़ा देर उबलने दूंगी। आप लोग अपने अनुसार पानी ऐड करना, मुझे आज थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी चाहिए था इसलिए मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। और थोड़ी देर पकने के बाद फिर इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला, और ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया। और इसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स करूंगी। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया और जितना भी मैंने चॉपिंग करके रखा था वो सब डाल दूंगी। और आप सब सोच रहे होंगे कि इतना सारा धनिया, तो गाइस मुझे बहुत पसंद है सब्जी में धनिया का जो स्मेल होता है वो, और हम लोग का घर में ही था धनिया इसीलिए ये मैंने खूब सारा डाला है। और आप सबको ब्रोकली कैसा लगता है, किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है और मुझसे भी ज़्यादा मेरे हस्बैंड को पसंद है। सो मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।